दोस्तों मेरा नाम है सुमित कटारिया। भाई सामने आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये है ग्रैनाइट नियोस स्पोर्ट्स सीएनजी फेसलिफ्ट वर्जन। भाई कितना बड़ा नाम हो गया, फेसलिफ्ट भी भाई, स्पोर्ट्स वेरिएंट भी, और इसके अंदर सीएनजी भी आ गई है। पहले से ही आती थी भाई, अब जो है अपडेटेड वर्जन के अंदर भी जो सीएनजी आ गई है। बाकी जो है सीएनजी का आपका टैग यहाँ पे लग रहा है। अब जो है भाई इस गाड़ी के फ्रंट लुक के बारे में बात करूँ तो फ्रंट लुक जो आपको ये दिया गया है, काफ़ी अच्छा खासा गाड़ी का फेसलिफ्ट हो गया है जब से जो है भाई ये लॉन्च हुई है ना। और इसका जो बम्पर ये चेंज हुआ है भाई, अलग ही अब इस गाड़ी का लुक आ रहा है। कहीं ना कहीं यार ये गाड़ी थोड़ी सी आगे से मतलब उतनी बढ़िया नहीं दिखाई करती थी, बट अब जो है बम्पर थोड़ा सा चौड़ा कर दिया गया है, जिसकी वजह से ऑल ओवर इस गाड़ी का लुक काफ़ी बढ़िया आ रहा है। बाकी आपको जो DRS ये दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको जो ये कम्प्लीटली चेंज कर दिए गए हैं ग्रिल, और जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है। बाकी हुंडई का लोगो ये दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश में आपको जो ग्रिल मिलती है, जो कि ये रहने वाली है, पूरी आपको जो एक ही यूनिट मिलती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। DRS ये हैं, और भाई अब तो फैशन आ गया कि भाई फॉगलैम अब डिलीट होते जा रहे हैं और उनकी जगह DRS आते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यार ये चीज़ अच्छी भी है और गलत भी है, कमेंट सेक्शन में आप बताना इस चीज़ को। बाकी आपको जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसके अंदर मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको जो इंडिकेटर दिया गया है, तो भाई ये काफ़ी बढ़िया बात है कि भाई CNG वेरिएंट के अंदर हम कहीं ना कहीं देखते थे कि भाई कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपको जो फीचर्स नहीं मिलते, बट भाई इस गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं, जैसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल गए हैं, और जो है बाकी और भी फीचर्स मिलते हैं, जैसे TPMS आपको जो है मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल अब इसके अंदर आ गया है, हिल असिस्ट कंट्रोल आ गया है, और TPMS भाई आ गया इसके अंदर, वो भी हाई लाइन वाला। ऐसा नहीं है आपको जो कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड वाला दे दिया, हाई लाइन वाला जो है TPMS भी आ गया है, और वो CNG वेरिएंट के अंदर भी आ गया। पेट्रोल वेरिएंट के अंदर आपको जो एक दो चीज़ें और मिल जाएंगी, जैसे क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है जो कि सेगमेंट फर्स्ट है, और जो है एक फीचर्स और भी मिल जाता है, जैसे ऑटोमेटिक AC भी आपको जो है पेट्रोल वेरिएंट के अंदर मिल जाता है। बाकी इस गाड़ी की प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस आपको जो है 8.11 लाख की जो है एक्स्ट्रा रूम पड़ती है, और मैं फ़िलहाल हूँ फॉर्चून मेरिट में, तो आप जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेस्ट प्राइस के लिए, डीलरशिप का आपको जो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विड्थ की बात करूं तो आपको 1680 mm, और व्हील बेस की बात करूं तो आपको 2450 mm का इस गाड़ी के अंदर व्हील बेस मिल जाता है, जिसकी वजह से ऑल ओवर इस गाड़ी के जो है राइडिंग हैंडलिंग तो काफ़ी बढ़िया ही होने वाली, क्योंकि भाई काफ़ी अच्छी खासी चौड़ी गाड़ी है, आपको कम्फर्ट भी एक नंबर देने वाली है। और इस गाड़ी की जो रियर सीट है ना, काफ़ी बढ़िया दी गई, मैं आपको जो एक बार दिखा भी दूंगा। बाकी जो है यहाँ पर फ्लेक्स व्हील दिए गए हैं भाई, पूरा आपको अलॉय व्हील वाला जो है लुक देंगे, क्योंकि 175/60R15, तो भाई कॉस्ट कटिंग तो थोड़ी बहुत हुई है, बट कहीं ना कहीं आपको जो है और भी फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं, जैसे 4 एयरबैग भी इसके अंदर मिल जाते हैं, तो आपको ये फ्लेक्स व्हील मिलते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के अंदर भी है। और यहाँ पर आपको जो इंडिकेटर दिया गया है, और ORM आपको जो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल और फोल्डेबल भी मिलते हैं, ए पिलर आपको जो बॉडी कलर, बी पिलर आपको जो ब्लैकआउट, और सी पिलर भी आपको जो है ब्लैकआउट ही मिलता है, जो कि ये रहने वाला है। बाकी शार्पिन एंटीना भी मिलता है आपको, और यहाँ पर आपको जो रूफ रेल्स भी दी गई है जो कि ये है, और डू नॉट अप्लाई लोड, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ भी है। साइड लुक ये है इस गाड़ी का, ठीक है। CNG पे भी आऊँगा भाई, CNG भी आपको दिखाऊँगा, CNG वेरिएंट है तो भाई CNG भी आपको मैं दिखाऊँगा, पर जो है रियर लुक के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि भाई इस गाड़ी का जो रियर लुक है ना भाई, काफ़ी बढ़िया कर दिया गया है। कहीं ना कहीं यार हम देखते थे कि भाई क्रेटा के अंदर कनेक्टेड टेल लैंप्स आती थी, और जो है आपकी वेन्यू के अंदर आते थे, बट यार नियोस के अंदर भी आ गए हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी ये है, ग्लो नहीं होती, बट यार करोल बाग में सब काम हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा। Gen i10 यहाँ पे लिखा हुआ नियोस, यहाँ पे स्पोर्ट्स वेरिएंट, यहाँ पे बैक कैमरा, भाई बैक कैमरा भी मिल जाता है आपको, काफ़ी बढ़िया बात है। हुंडई का लोगो अब क्रोम के अंदर नहीं मिलता आपको, जो है ये मैट टाइप से में मिलता है। बाकी नियोस की बैजिंग नीचे, और यहाँ पे ब्लू कलर का आई है। बाकी दो पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर आपको यहाँ, किट प्लेट आपको नहीं मिलती, आपको जो ये डिफ्यूजर टाइप लुक मिलता है जो कि मैट ब्लैक के अंदर है। और इस गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में बात कर लूँ, 60 लीटर्स का आपको जो CNG टैंक मिलता है जो कि ये है, और स्पेयर व्हील की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो स्पेयर व्हील भाई 160/70R14, तो 14 इंच का आपको जो स्पेयर व्हील मिलता है। 260 लीटर्स का आपको जो है पेट्रोल वेरियंट के अंदर मिलता है, बट यहाँ पर आपको जो नाम मात्र ही मिलने वाला है बूट स्पेस, बट आपको जो पार्शल ट्रे दी गई है, हर CNG वेरिएंट के अंदर आपको जब पार्शल ट्रे स्टैंडर्ड दी ही जाती है, तो आपको जब पार्शल ट्रे दी गई जिसकी क्वालिटी भी भाई ठीक ठाक दी गई है, ऊपर आपको जो है ट्रिम भी दी गई जिसकी वजह से ऑल ओवर आपका कोई भी पार्ट एक्सपोज नहीं है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। बाकी आपको जो है
कैमरामैन आपको पता है मिलता ही है, रियर डिफॉगर मिलता है, वाइपर आपको नहीं मिलता, शार्क फिन एंटीना, हाई स्टॉप है आपको मिलता ही मिलता है। बाकी जो है सीएनजी फिलिंग वॉल की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि भाई किधर की साइड मिलता है। हाँ तो भाई पहुँचते हैं भाई। हाँ जी तो भाई आपको 37 लीटर्स का आपको जो पेट्रोल की कैपेसिटी मिलती है, और यहाँ की साइड की मैं बात करूँ तो ये आपको मिलता है सीएनजी वॉल, जो कि ये आपका अंदर ही है, जिसकी वजह से भाई कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और भाई प्रीमियम एक तरीके से अब ये गाड़ी हो गई तो भाई ये चीज़ अंदर ही ठीक है, क्योंकि अगर ये बाहर यहाँ होती है या वहाँ होती तो काफ़ी जो बेकार लगता है सेगमेंट में, जो है किसी गाड़ी के अंदर वहाँ आता है यहाँ की साइड आता है वो ख़राब लगता है। बट इस गाड़ी के अंदर ही दिया गया पेट्रोल लीटर के अंदर, तो काफ़ी बढ़िया बात है। 60 लीटर्स का आपको जो सीएनजी टैंक मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया। तो इसे बंद करते हैं। बाकी ये बात रही ऑल ओवर इस गाड़ी के रियर लुक के बारे में, अब मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के रियर सीट के बारे में। आपको डुअल टोन के अंदर मिलता है, यहाँ पर आपको पावर विंडो कंट्रोल, 1 लीटर वाटर की स्पेस, और यहाँ पर आपको जो सिल्वर फिनिशिंग डोर हैंडल पे। सीट की मैं बात करूँ तो सीट आपको जो अच्छी खासी कुशनी सीट मिलती है, और यहाँ पर आपको लेदर एट प्लस फैब्रिक का कॉम्बिनेशन दिया गया। ये आप जो लेदर एट है और यहाँ पर आपको जो फैब्रिक दिया गया है, बाकी आर्मरेस्ट नहीं मिलता, 60-40 कोई भी ऑप्शन नहीं है, पूरी की पूरी आपको सीट डाउन करनी पड़ेगी। बाकी हेडरेस्ट फिक्स्ड चारों ही मिलने वाले हैं, फिक्स हेडरेस्ट। बाकी गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई, तो ये आपको जो लेदर रेट मिलता है। बाकी रियर एसी वेंट भी मिलते हैं भाई इस वेरिएंट के अंदर। बाकी 12 वाट का आउटपुट। और सीट की मैं बात करूँ तो भाई काफ़ी अच्छी खासी सीट है, मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। इस गाड़ी का जो व्हील बेस 2450 mm और जो सीट है ना काफ़ी बढ़िया, जिसकी वजह से ऑल ओवर आप जो 3 जने इस गाड़ी के अंदर पीछे आराम से बैठ सकते हैं। रिक्लाइन एंगल काफ़ी अच्छा है, और थाई सपोर्ट तो काफ़ी अच्छा देगा, और स्पेस भी आपको जो काफ़ी अच्छा मिलता है। बाकी आपको जो ग्रैब हैंडल तीनों साइड ड्राइवर साइड आपको जो नहीं मिलेगा, बाकी बीच में आपको लैंप दिया गया है जो कि ये है। तो भाई ये बात रही ऑल ओवर इस गाड़ी के रियर सीट के बारे में। आप जो है फ्रंट डोर के बारे में बात कर लेता हूँ, तो भाई फ्रंट डोर जो है इसका ये दिया गया है, ठीक है। की के बारे में भाई आगे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 पावर विंडो कंट्रोल, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन, और ऑटो अपन नहीं रहने वाली, ऑटो डाउन रहने वाली है। ORM से आपको जो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों ही रहने वाले। 1 लीटर के बॉटल की स्पेस, 4 स्पीकर आपको मिलते हैं। भैया शांत हो जा बस। हाँ यहाँ पर आपको जो है हाइट एडजस्टेबल सीट मिलती हैं, जो कि ये हैं। बाकी यार इसे बंद नहीं करता हूँ, एक मिनट इसे बंद नहीं कर देता हूँ, ठीक है। हाइट एडजस्टेबल सीट आपको मिलती हैं, बाकी ये आपको जो लेदर रेट। और अगर इसकी कम्फर्ट की बात करूँ तो आप भाई खुद ही देखो कितनी बड़ी सीट दी गई है, जिसकी वजह से ऑल ओवर जो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। आपको थाई सपोर्ट और रिक्लाइन एंगल तो भाई काफ़ी बढ़िया दिया गया है। ऑल ओवर जो स्कूप आप ये देख रहे हो ना, ये काफ़ी बढ़िया दिए गए, और आपकी जो है लॉन्ग राइड्स काफ़ी बढ़िया होने वाली है इस गाड़ी के अंदर। बाकी एयरबैग आपको जो मिलते हैं, 4 एयरबैग्स आपको मिलते हैं, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी मिलते हैं भाई। ये देखो आप, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर आपको नहीं मिलता। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उससे पहले की भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो आपको जो है फ्लिप की दी गई, जिसमें लॉक अनलॉक और बूट ओपन का बटन दिया गया है, ठीक है। बाकी फ्लिप की आपको मिलती है, दूसरी की आपको जो स्टैंडर्ड की ही मिलती है। अब इसे ऑन करते हैं। अरे भाई गाना कौन सा चल गया, ये मेरा चैन वैन उड़ जाएगा कि अगर कॉपीराइट आ गया तो, ठीक है। स्टेयरिंग की मैं बात करता हूँ तो टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता। और क्लस्टर आपको ये दिया गया है, जिसमें TPMS वो भी हाईलाइन वाला आ गया इसके अंदर, ठीक है। ये रहा आपका TPMS, जो कि ये है। यहाँ पे आपको जो है RPM मीटर, यहाँ पे आपको स्पीड मीटर, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज, यहाँ पे आपको CNG गेज मिलता है। और एक चीज़ और आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ आपको जो है ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, जिसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो भाई इस सेगमेंट में पहली बार ये चीज़ आई है। बाकी जो है यहाँ से आप CNG और पेट्रोल के अंदर स्विच कर सकते हैं। हेडलाइट लेवल आपको ये दिया गया है, ठीक है। बाकी AC वेंट आपको ये मिलता है सिल्वर फिनिशिंग के साथ, और यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक, और यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग, एक तरीके सैटिन सिल्वर टाइप दे रखा है। और इनका मैकेनिज्म काफ़ी बढ़िया है भाई, ये बिल्कुल भी अड़ नहीं रहे हैं, जिसके ऑल ओवर काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। बाकी इंस्ट्रूमेंट कस्टम मैंने आपको दिखा दिया। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग आपको नहीं मिलता इसके अंदर आपको, बट छोटा स्टेयरिंग मिलता है, जिसकी वजह से ऑल ओवर आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा ये। सिल्वर फिनिशिंग यहाँ पे, और यहाँ पर आपको जो स्टेयरिंग बटन कंट्रोल्स, 8 इंच की डिस्प्ले जो कि इस तरीके से कनेक्टेड है, पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे यूज़ करा गया, यहाँ पे सिल्वर, और 4 स्पीकर के साथ में आता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको दोनों ही मिलता है।
टच की बात करूँ तो भाई अच्छी खासी आपको टच मिलती है, DRVM और ये सब कुछ आपको मिलता है। और मैं कैमरा दिखाऊंगा आपको, तो कैमरा आपको ये मिलता है। तो अभी पन्नी लगी हुई है तो मैं हटा नहीं सकता, बट आपको अच्छी क्वालिटी का मिलता है और गाइडलाइन के साथ नहीं मिलता, बस ये आपको ऐसी गाइडलाइन दे रखी है, आपको स्टेयरिंग के साथ नहीं मिलता, ठीक है। बाकी ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता, अगर आप स्पोर्ट्स वेरिएंट लेते हैं पेट्रोल के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी आपको USB पोर्ट मिलता है आपको यहाँ, और टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ, 12 वोल्ट का आउटपुट, यहाँ पे स्पेस। टॉप मॉडल के अंदर आपको जो यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है, 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग, यहाँ पे मैट ब्लैक, 2 कप होल्डर, यहाँ पे आपको जो है स्पेस, और यहाँ पर आपको जो है हैंड ब्रेक। सीट की मैंने आपको बताया कि भाई सीट अच्छे खासी आपको कंफर्टेबल मिलती है, अच्छा खासा आपको थाई सपोर्ट मिलता है इसके अंदर। बाकी आपको जो है ये ग्लव बॉक्स ये दिया गया, जिसमें जो है आपको कूल ग्लव बॉक्स नहीं मिलने वाला, और यहाँ पर आपको स्पेस दे रखी है, आप जो फ़ोन अपना जो है इस तरीके से रख सकते हैं और कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। को ड्राइवर सेट भी अगर कोई बैठेगा ना तो अपना कुछ भी अपना छोटा मोटा सामान यहाँ रख सकता है, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल रहता है। बाकी जो है यहाँ पे कोट एसर वेंटीमीटर आपको दिया गया, IRV आपको डे नाइट दिया गया, माइक आपको मिलता है, ड्राइवर साइड आपको कोई भी वेंटीमीटर नहीं मिलता। तो भाई ये बात रही ऑल ओवर इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में, इंटीरियर के बारे में, एक्सटीरियर के बारे में। आपको मैं दोबारा से चीज़ें बता देता हूँ कि भाई इस गाड़ी के अंदर आपको जो क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। आपको इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आ गया है, हिल और असिस्ट आ गया है, TPMS आपको जो है अब आ चुका है, और जो है भाई क्रूज कंट्रोल भी आ गया, बट वो आपको जो पेट्रोल वेरिएंट के अंदर मिल जाएगा। और एयरबैग्स आपको 6 मिल जाएंगे टॉप वेरिएंट के अंदर, बाकी और वेरिएंट्स के आपको जो है 4 एयरबैग्स मिल जाएंगे। वारंटी की अगर बात करूँ तो आपको जो 3 साल 1,00,000 किलोमीटर्स की आपको जो वारंटी मिलती है, बाकी आप इसको एक्सटेंड करा सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई हुंडई जो है बिल्कुल अच्छी खासी आपको जो वारंटी भी देता है। बाकी जो है इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, इंजन आपको जो है इस गाड़ी के अंदर ये दिया गया, आपको जो 1.2 कापा सीरीज का इंजन दिया गया, जो कि CNG के अंदर आपको जो है खोल देते हैं फिर बताता हूँ मैं आपको। 9 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 95 Nm का टॉर्क। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं इसका तो आपको जो है 83 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा और 113 Nm का टॉर्क। अब कुछ इंजन ये दिया गया है आपको, बैटरी आपको जो है ये मिलती है, ठीक है। इंजन 4 सिलेंडर है तो आपको जो वैसे भी कैबिन नॉइस नहीं आने वाली, क्योंकि काफ़ी रिफाइंड इंजन रहते हैं हुंडई के। तो ये थी आपकी ग्रैंड आइटन नियो CNG स्पोर्ट्स वेरिएंट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।